Shout out to Bert. You know what time it is. I'm a proud boy. Oh, he didn't shoot cool out there. Oh, he's same with cool. I oh, he has some money. Oh, change get that family. Something got you ready, but they guess it with the daddy. But they rose in company, but they knew from it to name me. Oh, my bitch, I hook the demand computer. That you ready, and he shoot with the other. And he's here for the name. Oh, I hate it. And they oh, he got it. Hate it. Oh, he's there. Yeah, that they oh, he's there. He's there. राम राम भाई, सारा भाई है ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव लेकर आ चुके हैं भाई रिव्यू हुंडई एसेंट 2010 मॉडल है भाई। आज मतलब इसने लगभग 12 साल कंप्लीट होने आ रही है, तो इसमें देखेंगे भाई परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी चल रही है गाड़ी। ओनर भाई कैमरा का आगे नहीं आओगे तो उनसे पीछे ही बात करेंगे। एक दुख है भाई गाड़ी के साथ, तो वो जरूर डिस्कस करेंगे। CNG इसमें लग रही है, तो सबसे पहले आप तक कंडीशन चेक करवा देते भाई। आगे तो देख लो गाड़ी ओके है, कहीं तभी मतलब फ्रंट तो देखोगे इसमें जर वगैरह की शिकायत नहीं है 12 साल बाद भी। अगर आते हैं भाई साइड में, तो भाई ने जो है शीशे टिंट करा रखे हैं, अलॉय व्हील लगवा रखे हैं। अलॉय व्हील का साइज दिखा देते हैं, अलॉय व्हील लग रहे हैं इसमें, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, चाइनीज ही रहेगा भाई ऐसे तो। 185/55R16 16 इंची अलॉय व्हील है। कहीं भी इसमें अड़न उटन की दिक्कत है भाई, कटिंग वटिंग करे जब कहीं ना अड़े तो 16 इंची है भाई, बढ़िया चल रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल देख लो, एसेंट मतलब आज भी गाड़ी चलावे तो भाई मतलब जचे है, बढ़िया लगती है गाड़ी आंखों, मतलब लगती है कि हाँ कुछ ले रहे हैं चीज। बाकी काले शीशे वैसे है तो और बढ़िया बात हो जाए भाई। पीछे आ जाओ तो पीछे की तरफ इसमें जो है भाई उस टाइम पे डिफोगर आया करता, वाइपर की इनमें जरूरत रहे ना करे भाई सेडान्स में। बाकी जो एंटीना इसका ये देख लो, और बात करें भाई इसकी डिग्गी की, तो डिग्गी और खोल के दिखा देते हैं आपको। ये देखो भाई CNG का इसमें सिलेंडर टिकवा रखा है भाई ने 14 किलो का। तो इसका जो भाई मेन दुख है ना गाड़ी की, मतलब एवरेज नहीं है बिल्कुल भी भाई ने बताई है, 800-900 रुपया में बस मात्र 80 किलोमीटर चले, तो देख लो भाई अंदाजा लगा लियो एक सिलेंडर फुल में 80-90 किलोमीटर, 90 ना 80। और चीज एक चीज और भाई अंदर बात करेंगे, एक बार ये दिखा दो भाई, गो मैकेनिक के भाई ने जो है स्पीकर लगवाए हैं, तो इनकी क्वालिटी चेक करेंगे। मैं नहीं हूँ भाई, गो मैकेनिक का भी आया कर स्पीकर, तो इनकी भी क्वालिटी चेक करेंगे कैसी क्या है। बाकी डिग्गी में भी भाई थोड़ी थोड़ी यहाँ पे जो है जर की शिकायत है, ये देखो 12 साल बाद। और गाड़ी सारी भाई वर्किंग है, इंजन कंडीशन देखेंगे एक बार, अंदर चल गए अंदर और देख लेते क्या कुछ इसमें उस टाइम पे फीचर आया करते, तो अंदर देखते हैं। ये देखो भाई डोर पैनल से शुरुआत करें, 2010 में सारी चीज तो मतलब प्लास्टिक में, बाकी यहाँ पे जो है फैब्रिक में कपड़ा भी आया करता भाई। अब भी मतलब इसमें कटन फटन की कोई वो शिकायत नहीं है। यहाँ पे जो रबड़ सी थी ये थोड़ी सी मतलब उतरने लग गई आपको दिख रही है। चारों पावर विंडो वुडन फिनिश शीशे लॉक करने के लिए, बाकी ये अपने डोर हैंडल हो गए, और जो ORVMs है भाई इसके वो अपने डंडी से एडजस्ट करने के, ये देख लो यहाँ पे हाल फिलहाल में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े बहुत कर रहे हैं। अब आ जा भाई अंदर, तो भाई ने CNG लगवा रखी है, उस चीज की बात तो मैंने बताई थी भाई आप पे एवरेज नहीं है गाड़ी की बिल्कुल भी, 200 की इसमें उस टाइम स्पीड आया करती। अब भाई आज का टाइम में चली चल कितनी ज्यादा स्पीड इसकी, आपने कितनी चला रखी अब तक यार CNG में, सही चढ़ जाओ 100-110। अच्छा जी, बाकी भाई कह रहे भाई हाईवे पे 140 तक भी चली जाओगी, जान मतलब सही है गाड़ी में। बाकी भाई ये देख लो स्टीरियो तो बाहर से लगवा रखा है, ये सारा वुडन फिनिश, मतलब उस टाइम कंपनी तय। तो भाई ये देख लो सारी चीजें AC के कंट्रोल हो गए, AC वर्किंग है भाई, बढ़िया। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें भाई, ग्लव बॉक्स, बाकी एक जो पहले एसेंट का रिव्यू करा था उसमें यहाँ पे जो है वो आया करता भाई ग्लास सनग्लास होल्डर, तो इसमें वो चीज नहीं है। बाकी वेरियंट है ये एग्जीक्यूटिव, IRVM भी इसका टूट रहा है, बाकी तो भाई सारी चीज ठीक है। एक बार इसने ऑन करके देखते हैं कि भाई मेन चीज परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो चीज एक बार देख लेते हैं। CNG मैन भाई, तो ये देख लो भाई CNG का स्विच है यहाँ पे, CNG में है हाल फिलहाल। एक बार आजा अंदर आजा भाई एक बार, तो भाई अब देख रहे हैं इसको चला के पहला गियर में लगा दी है, Thank you.
सारी चीज ठीक है। अभी देख रहे हैं स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स, बढ़िया काम कर रहा है भाई ये भी। तो भाई चला के भी देख लिया, पिकअप विकअप मतलब सीएनजी में वैसे चल रही है तो उस हिसाब से देखा ठीक है, कोई दिक्कत ना है। स्टेयरिंग विटेयरिंग रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है। तो उस टाइम पे गाड़ी भाई मानी जाया करती है, अपना टाइम में वो किंग थी, मतलब सिडान में जो कह कर ना तो वो चीज थी। रेट किसकी बात करें तो भाई ने वो पड़ गई थी लगभग लगभग मतलब 1.5 लाख के आसपास। आपने अगर कोई सेकंड हैंड एसेंट देखनी हो तो कंडीशन चेक कर लियो भाई। बाकी इसका इंजन और दिखा देता हूँ एक बार, 1500 cc का इसमें इंजन है तो वो और चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है। तो रेट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इंजन दिखा देते हैं एक बार। तो ये है भाई इसका 1500 cc 4 सिलेंडर इंजन, कंडीशन देख लो मतलब ठीक है, धूल मिट्टी ज्यादा जम रही है इस पे। और बोनट की बात करें तो बोनट भी हैवी है, थोड़ी बहुत जो रेस्टिंग है वो यहाँ देख लो आप, क्लोज तो दिखा दो भाई एक बार ये चीज। ठीक है भाई, ये थोड़ी बहुत रेस्टिंग आने लगी है गाड़ी में, बाकी साइड में आने लगी है तो इतनी तो भाई बने अभी है, 2010 मॉडल है, 12 साल में इतनी तो आनी चाहिए। तो भाई सारी गाड़ी आपने दिखा दी है, किसी भाई ने सेकंड हैंड लेनी हो तो गाड़ी कुल मिला के ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना है। रेट वेट मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये थी आज की अपनी वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साल पड़े यार मारे लोड हथियार, सुन कहने सोर बैरी हो जाए फरार, सुन कहने सोर बैरी हो जाए फरार, मारे यार कड़े टोप कोने कोई रोक टोक, यार किसे बैरी की रे बोले दाब माने ते, बड़े भैया की सपोर्ट गैल भोले का है आत, मारे भाई का पीछा तक घड़ी आवाज आ रही है, पीछे बड़े लग रहे भाई का तक किसे की ना, आगे छोटा है वो मैकेनिक का ही है। तो भाई पीछे बड़े स्पीकर है, पीछे तो इनमें ज्यादा आवाज आ रही है। स्पीकर ला गई। तो भाई कुल मिला के मतलब स्पीकर क्वालिटी है ना ओके ओके। कितना का लगवाया था भाई? स्पीकर कितना का लगवाया था? 1900 रुपया का। 1900 रुपया का भाई स्पीकर लगवाया था, तो 1900 के हिसाब से 4 स्पीकर ओके है भाई।